अगर आप अपने कमरे की गंदगी से परेशान रहते हैं तो इस वीडियो को न देखें, क्योंकि यह चीनी भाषा में है। लेकिन चिड़ियाघर के एक चिंपांजी ने काफी देर तक लोगों को देखने के बाद अपने बाड़े की सफाई शुरू कर दी। मुझे नहीं पता कि वह झाड़ू और सफाई का मतलब समझता है या नहीं, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन प्राइमेट्स की बुद्धि लगभग 3 या 4 साल के बच्चे जैसी होती है। तो कुछ भी संभव है, कौन जानता है। यह वीडियो चीन के ज़ेंज़ा चिड़ियाघर में फिल्माया गया था और ऐसा लगता है जैसे वानरों का असली ग्रह वहीं से शुरू होगा। एक छोटे से सफेद चेहरे वाले कैपुचिन ने जानबूझकर एक चट्टान को तेज किया और फिर उससे कांच को मारा। संयोग नहीं, जानवर डर गया था, लेकिन जांचने के लिए वापस लौटा कि उसने क्या किया। शायद कुछ और बार और कठोर कांच टूट जाता, लेकिन ये कैपुचिन हमेशा अपने डिब्बे से अलग रहा है। कछुए भी कम नहीं होते। अगर दूसरे कछुए आकर बचाव न करें तो बड़ा कछुआ अपनी पीठ पर पड़कर हीट स्ट्रोक से मर सकता है या शिकारी उसे मार देंगे। लेकिन तब कछुओं की चालाकी दिखती है और कछुए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। रैकून तो खतरनाक बदमाश होते हैं, जो चाहे चुरा लेते हैं भले ही वो चीज खाने लायक न हो। और सबसे मजेदार बात, वे खाना चुराने से पहले अपने पंजे धोते हैं। क्या आपने कभी लिंडा नाम के जर्मन शेपर्ड को देखा है? वो कार वॉश में जाकर आरामदायक जल उपचार का मजा लेती है। क्या बात है, बेलुगा व्हेल और इंसानों के बीच का खेल भी अद्भुत है। जब बेलुगा व्हेल गेंद वापस लेकर आती है तो वो कुत्ते जैसा व्यवहार दिखाती है, इतनी प्यारी। और अगर बात करें गिज़्मो बिल्ली की, तो वह अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती है। किचन में लगी आग को महसूस कर वह जोर से म्याऊं म्याऊं करती है और मालिक को उठाकर उसकी जान बचा लेती है। यह सभी जानवरों की कहानियां सिर्फ मनोरंजक नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वे हमसे कहीं ज्यादा समझदार हो सकते हैं। अगर आपको जानवरों की अद्भुत कहानियां पसंद आए हैं तो और भी हैरान कर देने वाली घटनाएं सुनने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप जानते हैं कि कुछ कौवे इतने बुद्धिमान होते हैं कि वे अपने लिए इंसानों से दोस्ती करते हैं और फिर बदले में उपहार भी देते हैं। सिएटल की एक छोटी बच्ची गैबी कौवों को खाना खिलाती है और वो बदले में चमकदार गहने, बालियां और यहां तक कि एक खोया हुआ कैमरा लेंस भी वापस पाती है। वाह, कितने होशियार कौवे हैं। अब जरा ड्यूक नाम के कुत्ते की कहानी सुनिए। ये कुत्ता, जिसे आश्रय से गोद लिया गया था, अपनी छोटी इंसान दोस्त की जान बचाता है। एक रात ड्यूक अचानक कांपने लगता है और बिस्तर पर कूद जाता है, जिससे उसके मालिक जाग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी सांस नहीं ले रही। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और छोटी बच्ची की जान बचाई जाती है। भालू भी कम नहीं। एवलैंड रिजॉर्ट के भालू काफी चालाक होते हैं। वे ठीक से खड़े होते हैं, हाथ मिलाते हैं और गले भी लगा सकते हैं, सिर्फ स्वादिष्ट खाने के बदले में। इतना प्यारा और विचारशील व्यवहार। फिर से वानरों की बात करें तो तुशी नाम की एक चिंपैंजी ने तो डच चिड़ियाघर में हवाई रक्षा तक संभाल ली। जब एक ड्रोन उसके बाड़े के ऊपर उड़ रहा था तो तुशी पेड़ पर चढ़ी और उसे एक छड़ी से गिरा दिया। वाह, वानरों का बुद्धि स्तर वास्तव में अद्भुत होता है। और बिल्लियाँ, गिज़्मो बिल्ली अपने इंसान को धुएं से भरे घर में आग से बचाती है। म्याऊं म्याऊं करती है जब तक कि वो जाग न जाए। इस तरह का प्यार और सुरक्षा कुत्तों से कम नहीं है। ये साबित करता है कि जानवरों की बुद्धिमत्ता और भावनाएं हमारी कल्पना से परे हैं। अगर आप अब तक हैरान नहीं हुए तो सुनिए और भी मजेदार और दिल छू लेने वाली घटनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कौवे सिर्फ शरारती होते हैं या वे कुछ सीखते भी हैं? जापान में कौवों ने कुछ अद्भुत सीख लिया है। वे नट्स को सड़कों पर कारों के नीचे रखकर उन्हें तोड़ने देते हैं और फिर ट्रैफिक लाइट लाल होने पर सड़क से नट्स उठाने जाते हैं। इतना स्मार्ट होना किसी जानवर से उम्मीद नहीं की जा सकती थी, पर कौवों ने ये साबित कर दिया है कि वे एकदम रणनीतिक होते हैं। अब तुर्की में एक बकरी की कहानी सुनिए। एक माँ बकरी ने अपनी छोटी बकरी के लिए खुद ही हिंडोला बना लिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बकरी ने पेड़ की एक टहनी को पकड़कर उसे घुमाकर बच्चे को झूला झुलाना शुरू कर दिया। आपने कभी सोचा था कि बकरियाँ इतनी बुद्धिमान हो सकती हैं? ये नज़ारा सच में हैरान कर देने वाला है। और फिर व्हेल मछली की एक कहानी सुनिए। जब नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने एक व्हेल पर अध्ययन करना शुरू किया, उन्हें समझ आया कि वो व्हेल इंसानों से संपर्क करने के लिए खुद को ट्रेन कर रही थी। उसने पानी में फेंकी गई गेंद को बार बार ला कर दिया, जैसे कोई कुत्ता गेंद वापस लाता है। व्हेल की यह खेल भावना काफी दुर्लभ होती है, लेकिन उनका इंसानों के प्रति प्यार असली और गहरा है। और अब आपके कुत्ते, उनकी वफादारी और प्यार की कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। एक कुत्ते ने, जिसे 6 साल पहले गोद लिया गया था, रात में अचानक अपने मालिक को जगाया क्योंकि उसकी छोटी बेटी सांस नहीं ले रही थी। इस कुत्ते की वजह से उस बच्ची की जान बच गई। ऐसा कोई दोस्त हो तो दुनिया सबसे अच्छी लगने लगती है।
जानवर सिर्फ हमारे साथी नहीं हैं, वे हमारी जिंदगी के असली नायक भी होते हैं। उनका प्यार, उनकी समझदारी और उनकी संवेदनशीलता हमें सिखाती है कि प्रकृति के ये अद्भुत प्राणी हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं और समझते हैं। क्या आपके पास भी अपने पालतू जानवर की ऐसी कोई कहानी है? बिल्कुल, जानवरों की अद्भुत कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। हर दिन वे हमें नए तरीके से चौंकाते हैं और हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझदार साबित होते हैं। आपको एक छोटे कुत्ते मैक्स की कहानी सुनाई। मैक्स ने अपने मालिक की जान बचाई जो एक पहाड़ी इलाके में घूमते हुए गिर गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब कोई मदद नहीं दिख रही थी, मैक्स ने लगातार 3 दिनों तक उनके पास डेरा डाले रखा, बाहर जाकर मदद लाने की कोशिश करता रहा और आखिरकार उनके पास मदद पहुंची। अगर मैक्स नहीं होता तो शायद उसके मालिक की जान बचना बहुत मुश्किल हो जाता। और डॉल्फिन्स, समुद्र की सबसे बुद्धिमान प्राणी, उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। एक न्यूजीलैंड की महिला जब गहरे समुद्र में तैर रही थी, तब उसने शार्क को पास आते देखा। वो डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन अचानक डॉल्फिन्स का एक झुंड आया और चारों तरफ घेरा बनाकर शार्क को भगा दिया। डॉल्फिन्स ने उसकी रक्षा की जैसे वे उसके खुद के बॉडीगार्ड्स हों। अब सुनिए स्नोबॉल नाम के एक कॉकटू की मजेदार हरकतें। यह एक ऐसा तोता है जो ड्रम बीट्स पर सही सही डांस करता है। आपने कभी सोचा था कि एक तोता ऐसी लय और ताल को समझ सकता है? स्नोबॉल को जब पॉप म्यूजिक सुनने को मिलता है तो वो अपनी चोंच ऊपर उठाता है, पंख फड़फड़ाता है और अपनी लयबद्ध नाचने की कला दिखाता है। इतना एनर्जेटिक और प्यारा कि वो एक सेलिब्रिटी बन गया है। क्या आपने गोरिल्लाओं की संवेदनशीलता पर ध्यान दिया है? कोको नाम की एक गोरिल्ला को साइन लैंग्वेज सिखाई गई थी और वो इंसानों की तरह अपने विचार व्यक्त कर सकती थी। उसकी पालतू बिल्ली की मौत पर उसने गहरे दुख का इजहार किया और कहा, मैं दुखी हूँ, मेरी बिल्ली वापस लाओ। ये घटना साबित करती है कि जानवरों के पास भी भावनाओं का गहरा भंडार होता है, हमारी तरह। अब कछुओं की चतुराई की एक और कहानी सुनिए। अफ्रीकी जंगलों में एक विशाल कछुआ अपनी पीठ पर पलट गया था और वह खुद को सीधा नहीं कर पा रहा था। अचानक दूसरे कछुए आए और अपनी पीठ से उसे धक्का देकर उसे सीधा किया। टीम वर्क की यह मिसाल जानवरों में भी देखने को मिलती है और कछुए भी समझदारी दिखाते हैं। ये सभी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जानवरों की अद्भुत समझ, प्रेम और मदद करने की भावना हमें अचंभित कर देती है। हर जानवर अपने में खास है, एक सच्चा दोस्त, एक रक्षक और एक साथी। और भी अद्भुत जानवरों की कहानियाँ सुनकर आप यकीनन और हैरान हो जाएंगे। बिल्लियाँ जो अक्सर स्वार्थी और आलसी मानी जाती हैं, वे भी असाधारण रूप से बहादुर और वफादार होती हैं। एक मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति की कहानी है जिसकी बिल्ली वफादारी से उसके पास बैठी रही। जैसे ही वो व्यक्ति कोमा में गया, बिल्ली ने उसके सीने पर चढ़कर उसे म्याऊं म्याऊं करके जगाया। डॉक्टरों ने कहा कि उस व्यक्ति के वापस होश में आने में बिल्ली की अहम भूमिका थी। जब उसने म्याऊं की आवाज़ सुनी तो शायद उसकी चेतना लौट आई। अब कुत्तों की ओर रुख करते हैं। यहाँ कहानी है रेस्क्यू डॉग सैम की। सैम एक बचाव अभियान के लिए प्रशिक्षित कुत्ता था और खुद को बार बार साबित करता था। लेकिन एक दिन जब एक बड़ा भूस्खलन हुआ तो सैम की असली परीक्षा सामने आई। उसने मलबे के नीचे एक बच्चे का पता लगाया जिसे लगभग मृत समझा जा रहा था। कुत्ते की नाक और अद्वितीय बचाव कौशल के कारण बच्चा जिंदा बचाया गया। सच्ची बहादुरी का परिचय दिया उसने। अब डॉल्फिन्स के बारे में बात करें। डॉल्फिन्स की माने तो वे इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान होती है। ब्राजील के तट पर एक ऐसा मामला सामने आया जहां मछुआरे और डॉल्फिन्स टीम वर्क में काम कर रहे थे। डॉल्फिन्स मछलियों को किनारे की तरफ भगाती थी और मछुआरे आसानी से उन्हें पकड़ लेते थे। इसके बदले में मछुआरे डॉल्फिन्स को थोड़ा सा हिस्सा देते थे। ये तालमेल वर्षों से चल रहा है और इसे इंसान और जानवर के बीच का सबसे पुराना समझौता माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि हाथी भी बहुत ही संवेदनशील और सहानुभूति रखने वाले होते हैं? एक हाथी जिसका नाम टेरो था, वह दूसरे हाथियों के परिवार से अलग हो गया था